सोनी हूँ। मैंने यहाँ सर्जरी के लिए 13 तारीख को मैं यहाँ पे सर्जरी के लिए आई थी, और उस वक्त मैं काफ़ी नर्वस थी अपने डिसीज़न पे और सर्जरी के बाद होने वाली कॉम्प्लिकेशंस को लेके। डॉक्टर से काफ़ी डिस्कस किए थे, डॉक्टर ने तो बहुत ही सेटिस्फाई किया था, बट सर्जरी तो सर्जरी है, डर तो लगता ही है। तो फिर इस इन इन सब चीज़ों को भी ध्यान में रखते हुए, इनर कॉन्फिडेंस, इनर सोल की वॉइस को सुनते हुए मैंने ये सर्जरी के लिए ओके किया। नाइट में मुझे आईवी लगा, जो कि काफ़ी पेनफुल था मेरे लिए, क्योंकि ये मेरी फर्स्ट सर्जरी थी लाइफ की, फर्स्ट टाइम मेरी बॉडी खोली गई थी, तो हमें बहुत डर लग रहा था। तो आईवी का पेन ही मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा पेनफुल था, तो मुझे लगा अब सर्जरी में क्या होगा। तो फिर नेक्स्ट डे मेरी सर्जरी थी और चेस्ट एक्सरे हुआ, आफ्टर दैट मेरी सर्जरी हुई, और सर्जरी के बाद मुझे अपने रूम में शिफ्ट कर दिया गया। बट आफ्टर 1 आवर ही जब एनेस्थीसिया का असर ख़त्म हुआ, तो डॉक्टर आए मेरे पास और उन्होंने पैर का मूवमेंट करने के लिए ओके कर दिया कि आप अपने पैर को मूव करिए, आप जितना मूव करेंगी आपको उतना ही रिकवर होगा। और एनेस्थीसिया का असर था तो उतना पेनफुल नहीं था उस टाइम, तो लेकिन हम पैर को मूव कर रहे थे क्योंकि हम खुद चाहते थे कि रिकवर हों, और तो उस वक्त हम अपना स्टार्ट कर दिए थे मूव करना। आफ्टर दैट जब एनेस्थीसिया का असर ख़त्म हुआ तो पेन होना स्टार्ट हो गया था, तो उसके बाद नर्स हमको बराबर पेन किलर दे रही थी, फिर भी वो पेन 14 को सर्जरी थी, 14 को भी मेंटेन रहा और 15 को भी रहा। हालांकि बहुत ज़्यादा पेन नहीं था, लेकिन ये पेन था कि आप बर्दाश्त कर सकते थे, लेकिन पेन किलर भी साथ में दिया जा रहा था हमको, तो ओवरऑल तक ही पेन रहा। और 15 के बाद जैसे मिरेकल ही हो गया, 16 की मॉर्निंग में हमें किसी तरह का कोई भी पेन नहीं हुआ। पैर को तब भी मूव कर रही थी, 14 को भी मैं अपने पैर को मूव कर रही थी पूरा फिजियोथेरेपिस्ट के अंडर में, जैसा उन्होंने बताया था, और 16 को भी मेरा और मूवमेंट बढ़ गया था। हाँ, रिकवरी उन्होंने भी खुद बताया था कि रिकवरी अच्छी खासी है, उन्होंने ये भी कहा था आपको स्वेलिंग भी नहीं है, और रियली में हमको स्वेलिंग सर्जरी के टाइम से भी नहीं था, जो कि हमें बहुत ही डर लग रहा था कि सर्जरी कैसी होगी। और सर्जरी का सबसे बड़ा डर हमको ये बैठा था कि अंदर की क्या कंडीशन होगी, लेकिन हमें अंदर ऐसा फील ही नहीं हो रहा कि कोई कट हुआ है और किसी तरह का कुछ प्लेट भी लगा। तो 16 से मैं एकदम नॉर्मल हो गई, फिजियोथेरेपिस्ट ने भी कहा आपका रिकवरी बहुत अच्छा खासा, मूवमेंट भी बहुत अच्छा खासा है। तो ओवरऑल मैं 2-3 बार वॉक करती थी और मैं टॉयलेट भी सेल्फ जाने लगी, ओवरऑल सब कुछ नॉर्मल हो गया और मेरे अंदर का डर भी निकल गया, कॉन्फिडेंस भी और अच्छा हो गया, और लगा ही नहीं कि ये सर्जरी है। तो अब मैं पूरी तरह से फिट हूँ और अंदर से कॉन्फिडेंस भी फील हो रहा है, और मैं अमित भैया को बहुत ज़्यादा थैंक्स कहना चाहती हूँ इसके लिए। उनका मैंने 1-2 साल से मेरा इनसे कांटेक्ट में रहे हैं, और बहुत इनकी सर्जरी के रिस्पांस को देख के हम इतना बड़ा डिसीजन लिए थे, क्योंकि ये मेरी आज की बीमारी नहीं है, 13 साल के थे तब से ये बीमारी है, तो ओवरऑल समझ सकते हैं कि 20 साल की होंगे 20 साल का होगा वो बीमारी ये, तो हमें तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं था कि मेरा ये सर्जरी होगा, बट इतना इजीली हो गया। होने के बाद पता चला कि ये बहुत छोटा सा प्रोसेस था, बहुत ज़्यादा हुआ नहीं था, तो हमको तो बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। और अमित भैया ने बहुत ही सपोर्ट किया, क्योंकि मेरे क्वेश्चन ख़त्म ही नहीं होते थे, डॉक्टर भी मेरे क्वेश्चन से परेशान रहते थे और अमित भैया भी क्वेश्चन से परेशान रहते थे, क्योंकि लॉजिकली हम बहुत ज़्यादा ही ओवर थिंक कर लेते हैं, डॉक्टर भी कह रहे थे, तो सारे मेरे जितने भी ओवर थिंकिंग के क्वेश्चन थे सब ख़त्म हो गए अपने आप। अब मैं बहुत ही कॉन्फिडेंस फील कर रही हूँ, अमित भैया को इसके लिए बहुत बहुत थैंक्स, इतना यहाँ तक हमारा सपोर्ट करने के लिए, ये रास्ता दिखाने के लिए, थैंक यू वेरी मच।
आज 17 तारीख है, मेरा फ्लाइट है, मैं यूपी मिर्ज़ापुर की रहने वाली हूँ और मैं वापस अपने घर जा रही हूँ पूरी तरह से रिकवर होके, और डॉक्टर के अंडर ऑब्जर्वेशन में अभी भी हूँ, उनसे डायरेक्ट उनके कांटेक्ट में भी रहूँगी। मेडिसिन चल रहे हैं मेरे, और हाँ मेडिसिन चल रहे हैं मेरे, और डॉक्टर ने बोला 1 महीने बाद आप प्रॉपर वे में चलने लगेंगी। 1-1.5 महीने की रिकवरी के बाद जैसे ही मेरे पैर पे वेट पूरा तरीके से पड़ने लगता है, मैं नेक्स्ट सर्जरी के लिए फिर आऊँगी। तब तक के लिए आप लोग भी अपने सर्जरी के लिए थोड़ा डर ख़त्म करिए और आगे बढ़ के इस सर्जरी को करा लीजिए, बिकॉज़ ये नी का इशू है, आगे चल के आपके कूल्हे में भी प्रॉब्लम करेगा, बॉडी डिसबैलेंस करेगा, एवरी मतलब पूरे बॉडी का डिसबैलेंस हो जाएगा, तो ये एक तरह से कई नई बीमारियों को जन्म देगा। तो आप अभी से इनिशिएट करिए सर्जरी के लिए और कोशिश करिए, जितनी भी लड़कियां हैं लड़के हैं जो भी यहाँ डर रहे हैं, ये डर नहीं है, हम करा के देख लिए, ये कोई तरह का डर नहीं है, एक नॉर्मल छोटा सा सर्जरी, छोटा सा कट है और बहुत ही नॉर्मल सी, डॉक्टर के लिए तो बहुत छोटी सी चीज़ है और हम लोग इतना हवा बना रहे थे, कुछ वैसा नहीं है, सब नॉर्मल है। आप करा सकते हैं सर्जरी, बिल्कुल कॉन्फिडेंस से कराइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है।